देख रहे हैं इंडिया 24 7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खचरौन तहसील से 8 किलोमीटर दूर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अति प्राचीन स्थान भगवान भैरजू देव नारायण जी की शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। मंदिर से भगवान देव नारायण जी की झांकी सज धज कर और बैंड बाजे के साथ निकाली गई। बता दें कि दीपावली के दिन से शुरू मेले का समापन शोभा यात्रा के साथ किया जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा मेले का निरस्ता को लेकर दुकानें नहीं लगी, जिससे कि भीड़ भाड़ कम रही। अगर यह है कि महत्व तो बात करें तो यह पर प्रति वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत भगवान भैरजू देव नारायण जी को समर्पित करते हैं। आज यहाँ के झूले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस दिन की सभी नवविवाहित जोड़ों को इंतजार करता है और विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू धर्म में देव उठानी 11 को छोटी दीपावली के रूप में ही मनाया जाता है और आज से ही हिंदू पंचांग के अनुसार वैवाहिक और अन्य शुभ कार्यों का श्री गणेश होता है और कई लोग आज की दूर दूर से अपने परिवार में होने वाले शुभ आयोजन की तारीख इस स्थान से प्राप्त कर सुखमय जीवन की कामना करते हैं। वहीं शोभा यात्रा मंदिर से गाजे बाजे के साथ तलहटी में बनी हुई शाड़ू माता की बावड़ी में झांकी ठंड किया जाता है और पुनः मंदिर पर पहुँच कर शोभा यात्रा का समापन किया जाता है। इस मौके पर कई दुकान और मंदिर समिति सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। इंडिया 24 लाइव टीवी के लिए देखिए विक्रम चंद्र बंशी की रिपोर्ट।